ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل شانه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال تعالى في موضع آخر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ ذات واحد کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا جس ذات نے ہم سب کی پرورش و پرداخت کی جس نے ہماری روزی روٹی کا انتظام کیا جس نے ہمیں دنیا میں رہنے جینے چلنے بسنے اور ہر طرح کی زندگی گزارنے کے تمام اصول و ضوابط بتلائے بعد و درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر خصوصاً اللہ کے حبیب خاتم النبیین سید المرسلین یتیموں کے والد غلاموں کے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات گرامی اور حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تین آیات کی قرآن کریم سے الگ الگ جگہوں سے تلاوت کی اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ
मोमिन मर्द या मोमिना औरतों को तकलीफ़ देते हैं, हालांकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, तो ऐसे लोग उनके ऊपर बहतान बांधते हैं और खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी, जिसमें तकरीबन दो आयतें हैं, कि यतीमों को हकीर ना समझो और सवाल करने वालों को डांटो और झिड़को नहीं। तीसरी आयत जो मैंने पढ़ी, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि ऐ लोगो, अपने रब की बख्शिश और मग़फ़िरत की तरफ दौड़ पड़ो, वसारिउ इला मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम, और उस जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। जो लोग अल्लाह के रास्ते में खुशहाली और बदहाली हर हाल में खर्च करते हैं, और जो लोग गुस्से को पी लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि यही वो लोग हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है। मेरे खुतबे जुमा का मौजू है कि मुसलमानों को अज़ियत देना, तकलीफ़ देना, यतीमों, बेसहारा लोगों, मजबूरों और सवाल करने वालों को झिड़कना, डांटना या हकीर समझना इस्लाम में कितना बड़ा जुर्म है। मौजू है कि मुसलमानों में से किसी को भी हम तकलीफ़ ना दें, किसी को परेशान ना करें। इंसानियत का दर्द, इंसान से मोहब्बत और हमदर्दी हम सब के अंदर होना चाहिए, ये इस्लाम का मुतालबा है। इस्लामी तालीमात यही मुतालबा करती हैं कि हम लोग किसी के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। अगर किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। किसी शायर ने कहा कि मेरी ज़बान व कलम से किसी का दिल ना दुखे, मेरी ज़बान व कलम से किसी का दिल ना दुखे, किसी को शिकवा ना हो ज़ेरे आसमां मुझसे। हम इस अंदाज से रहें कि हमारी शख्सियत, हमारी ज़िंदगी, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग, हमारे पास पड़ोस में रहने वाले लोग, हमारे महलों में रहने वाले लोगों को हमारी ज़ात से किसी तरह की तकलीफ़ ना पहुँचे। पहली आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि जो लोग भी मोमिन मर्द या मोमिना औरतों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, तकलीफ़ पहुँचाने का तरीक़ा क्या है कि उनके मुतालिक समाज और माशरे में गलत फहमियाँ फैलाते हैं, उनके मुतालिक माशरे और समाज में उनके इज़्ज़त और नामूस का खिलवाड़ करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, हालांकि उन्होंने ऐसा किया नहीं होता है। ये बहतान है। अल्लाह ने इसी आयत में आगे कहा फ़क़द इहतमलू बुहताना व इस्मन मुबीना, कि ऐसे लोग जो मोमिन मर्द या मोमिना औरतों को, उनकी इज़्ज़त और नामूस को उछालते हैं, ये लोग बहतान बांधते हैं और ये बहुत बड़ा जुर्म है। सहाबा ने कहा, एक और मौके पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि गीबत ना करो, चुगली ना करो। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर वो आयब उस शख्स के अंदर मौजूद हो तो क्या हम उसे भी बयान ना करें? कहा, उसे भी ना बयान करो, वही चुगली है। अगर वो आयब उसके अंदर नहीं है तो वो बहतान है। और चुगलखोरी और आयब जोई करने की कितनी सख्त सज़ा इस्लाम में है, ज़रा इस आयत करीमा को सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वला यगतब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरहतुमूह, कि अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। वला यगतब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि, क्या तुम में से कोई शख्स अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? गीबत करने का जुर्म और सज़ा और इतनी कबाहत इस्लाम में बयान फरमाई गई है। तो गीबत यानी जिस चीज़ की कमी या जिस शख्स के अंदर वो कमी मौजूद हो उसे दूसरों में बयान करना, ताकि उसे बेइज्जत किया जाए, ताकि उसे जलील किया जा सके, ताकि उसे नीचा दिखाया जा सके,
ताकि उसे समाज में गिराया जा सके, इसी को गीबत कहते हैं। और गीबत का जुर्म क्या है कि गोया कि हम अपने सगे भाई जो मर चुका है उसका गोश्त खा रहे हैं, उसका गोश्त खा रहे हैं। और बोहतान लगाना इससे बड़ा जुर्म है कि किसी के अंदर ऐब ना हो और वो ऐब लगाया जाए। आप देख लें कि कोई इंसान हो, इज्जतदार हो, लोग उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन अचानक उसके बारे में अगर कोई निगेटिव या मनफी खबर आ जाए तो आपके दिलों में उसके मुतालिक एहतराम कम हो जाता है। ये नुकसानात है समाज और माशरे के अंदर कि किसी की बुराई जब कर दी जाती है तो एहतराम का जज्बा बिल्कुल ख़त्म होने के करीब पहुंच जाता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कोई भी खबर फैलाने वाला फैलाए उसकी खबर को उस वक्त तक ना मानो जब तक कि तफ्तीश ना कर लिया करो। कुरान की आयत कहती कि कोई खबर लेने वाला, खबर देने वाला, कोई फासिक फाजिर आपके पास कुछ बतलाने आए, आपके कान भरने आए, तो पहले तफ्तीश कर लिया करो। हम और आप पढ़ते और सुनते तो बहुत हैं लेकिन तफ्तीश करने का मौका हमारे पास नहीं है। हम तैयार रहते हैं कि कोई आए और किसी की कोई खबर बतला दे और हम अभी से बैठ करके उसके बारे में अपने जहन को बना लें। यही माहौल आज माशरे और समाज में चल रहा है। दूसरी आयत करीमा जो मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया फअम्मल यतीम फला तक़हर। अय नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यतीमों को हकीर ना समझें। यतीम बच्चे, समाज के अंदर यतीम बच्चे, उनके साथ कैसा व्यवहार हो, उनके साथ कैसा सलूक हो, उनसे कैसे हम ताल्लुकात बनाएं, उनके साथ रहें कैसे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बारे में यहाँ पर तालीम दी कि यतीम बच्चों को हकीर ना समझा जाए। मुस्लिम मुआशरे के अंदर अगर यतीम बच्चे मौजूद हैं उन्हें हकीर ना जाना जाए। सहाबा किराम को मना कर दिया गया कि उनके मालों पर कोई अख्तियार ना रखे, सहाबा किराम डर गए, सहाबा किराम डर गए। यतीम बच्चों की परवरिश करते थे, उनके खाने का इंतज़ाम अलग करने लगे कि खाना बना हुआ अगर बच जाए उसको भी छूना गवारा नहीं करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि उस जुर्म में, उस पादाश में पकड़े ना जाए। ये सहाबा किराम थे जो इतना अहतमाम करते थे किसी मुसलमान को तकलीफ देना, किसी मुसलमान को तकलीफ देना इस्लाम में बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ देना अच्छी बात है? नहीं। मेरा मौजू है कि मुसलमानों को आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए। जहां बैठ जाइए, चार लोगों से बातें करिए, पता चलता है कि यहाँ पर ये इख्तलाफ है, यहाँ पर ये इख्तलाफ है, यहाँ पर ये इख्तलाफ है। मुसलमानों में आपस में कुर्बत का मामला बिल्कुल है ही नहीं, नज़र ही नहीं आता। इस माना करके इस मौजू को चुना गया है कि आपस में कैसे हम एक दूसरे के करीब आ सकें, एक दूसरे के दिलों का, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम कर सकें। तीसरी आयत करीमा जो मैंने पढ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया वसारिउ इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम। ऐ मुसलमानों, अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ पड़ो, दौड़ पड़ो, दौड़ो अपने रब की बख्शिश की तरफ, मगफिरत की तरफ। आज हम और आप गौर करें, अपने ऊपर गौर करें कि क्या हमारे अंदर यह तड़प मौजूद है कि हम रब की बख्शिश की तरफ दौड़ लगाएं। वजन्नतिन अर्ज़ वस्समावातु वल अर्ध, और उस जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि कौन लोग हैं जो इस जन्नत की तरफ दौड़ेंगे और कौन लोग हैं जो अल्लाह की बख्शिश और मगफिरत की तरफ दौड़ करके आगे बढ़ते हैं। गलती हो गई, गुनाह हो गया, कोई गुस्ताखी हो गई, रब से तौबा करते हैं, रब से लव लगाते हैं, रब के दरबार में आकर रोते और गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े किया अगले ही इसी आयत के अगले टुकड़े में क्या कहा, अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सराई वज़्ज़र्रा, कि वो लोग हैं जो अपने रब की बख्शी की तरफ दौड़ते हैं। ये कौन लोग हैं? जो खुशी और गमी, तकलीफ, आसानी में और तकलीफ़ में, हर हालत में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सराई वज़्ज़र्रा, आसानी है तब भी खर्च करते हैं, तकलीफ में है तब भी खर्च करते हैं। वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़, और जो लोग गुस्सा पी जाते हैं, जो लोग क्या करते हैं, गुस्सा पी जाते हैं। गुस्सा पीना किससे? लोगों से। लोगों से गलती हो गई, किसी से कोई गुनाह हो गया, किसी से कोई गुस्ताखी हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जन्नत की तरफ दौड़ने वाले लोग वो हैं जो लोगों से गुस्से को पी जाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा
बहादुर वो नहीं है जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, बहादुर वो नहीं है जो बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा बॉडी बिल्डर वाला, नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा बहादुर वो है जो गुस्से को पी जाए। आज हम और आप गौर करें, क्या हमारे पास ये जन्नती सिफात हैं? क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बख्शिश चाहते हैं? ये तीन चीज़ें अल्लाह ने बतलाई हैं, अल्लाह के रब की बख्शिश की तरफ दौड़ना और जन्नत की तलब करना। ये तीन सिफात जिसके अंदर होंगी वही अल्लाह के बख्शिश की तरफ दौड़ेगा। ये तीन सिफात क्या हैं? खुशी में भी आराम में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा। नेमत खूब मिल गई, ना शुक्री नहीं करता, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, क्योंकि वो मुसलमान बंदा इस बात को जानता है लेकिन शकर तुम लाजीदन्नकुम वलेन कफर तुम इन अज़ाब लशदीद। उस रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे, तुम्हारे पास नेमतें हैं, तुम्हारे पास रब की रोजियां हैं, तुम्हारे पास हलाल कमाई मौजूद है, तुम अगर शुक्रगुजारी करोगे हम और देंगे, लाजीदन्नकुम हम मजीद देंगे और ज़्यादा देंगे। लेकिन माजरा तो उल्टा है, आज अगर 10,000 रुपया है 5,000 खर्च करना हो तो दिमाग कैलकुलेशन करता है कि 10,000 में से 5,000 कम हो गया, यानी 5,000 बचा, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। रब ने क्या कहा? लाजीदन्नकुम हम और ज़्यादा देंगे अगर तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे। वलैन कफरतुम इन अज़ाब लशदीद। लेकिन अगर तुम ना शुक्री करोगे, तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम ना शुक्रे बन गए, तुमने शुक्रगुजारी नहीं की, रब को याद नहीं किया, रब के बंदों पर खर्च नहीं किया, रब के बंदों की मदद नहीं की, लोगों पर शफकत नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन अज़ाब लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। रब्बुल आलमीन सख्त पकड़ करता है ऐसे लोगों की। तो ये मुसलमानों के जन्नतियों के सिफात, मुसलमानों को तकलीफ़ देना, मुसलमानों को तकलीफ़ देना, किसी मुसलमान को परेशान करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन आद अली वलीयन फ़कद आज़न्तुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली, मेरे किसी दोस्त को तकलीफ़ पहुँचाई, जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी मोल ली, तो ऐ इंसानों सुनो, ऐ सहाबा सुनो, तहकीक की वो शख्स मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो गया। किसी मुसलमान को तकलीफ देना, किसी को परेशान करना, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जो मेरे किसी वली को तकलीफ पहुंचाएगा, अल्लाह के नबी का वली कौन है? अल्लाह के नबी का दोस्त कौन है? नबी के ज़माने में सहाबा थे, नबी वसल्लम के ज़माने के बाद क़यामत की सुबह तक नबी का वली कौन है? मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने नबी की सुन्नत से मोहब्बत किया गोया कि उसने अल्लाह के नबी से मोहब्बत किया, और जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करेगा वही नबी का वली और नबी का दोस्त है। तो नबी के किसी वली को तकलीफ देना, नबी ने कहा फ़क़द आज़न्तुहु बिल हर्ब, मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ, मैं उस शख्स से जंग का ऐलान करता हूँ। ज़रा अंदाज़ा करें कि मुसलमानों में आपस में एक दूसरे का एहतराम करना इस्लाम की नज़र में और नबी की नज़र में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक और रवायत में यतीमों के बारे में बहुत मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, वाक़े इफ़्क़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, उसको वाक़े इफ़्क़ कहते हैं। सूरह नूर सूरह नंबर 24 पढ़िए, पूरी तफसील मौजूद है। उस मौके पर यतीमों में से एक यतीम बच्चा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के यहाँ परवरिश पा रहा था, गालिबन मिस्ता बिन असासा नाम था। जब ये माजरा सुना अबू बकर सिद्दीक ने कि मेरे लख्त जिगर के ऊपर इंजाम इन लोगों ने लगाया है, कहा अल्लाह की कसम अब मैं इसको खिलाऊंगा नहीं, मैं अब इसकी परवरिश नहीं कर सकता, इसने मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया है। वो यतीम था, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया या अबा बकरिन ऐ अबू बकर लैन कुंता अग़ज़बतहुम, अगर तुम इन यतीमों को तकलीफ़ दोगे, अगर तुम इन यतीमों पर नाराज़ होगे, फ़कद अग़ज़बता रब्बक, तो तुम अपने रब को नाराज़ कर जाओगे, तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ हो जाएगा। तो अबू बकर क्या चाहते हो, तुम्हारा रब तुमसे खुश हो या तुमसे नाराज़ हो? अबू बकर सिद्दीक़ अम्बिया के बाद सबसे बड़ा मकाम, इंसानों में
फौरन कहने लगे मैं अपने रब को नाराज नहीं कर सकता। जरा गौर करें, जरा गौर करें, आपकी लाडली बेटी पर कोई इल्जाम लगाए, उसके बाद आप उसके बावजूद भी उसकी परवरिश अपने घर में करें, उसको खिलाएं पिलाएं, इस अंदाज से ईमान लाने की जरूरत है। इस अंदाज से मुसलमानों को अपने समाज में रहने की जरूरत है। इस तरह से माशरे के अंदर हम और आप इस्लाह कर सकते हैं। कहते हैं मौलाना ठीक है, बड़ी अच्छी बातें आप बतलाते हैं, लेकिन ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, इससे बड़ी कमी क्या हो सकती है? सिद्दीक अकबर की लख्त जिगर पर इल्जाम, उम्मत की मां पर इल्जाम, रसूल रहमत की बीवी पर इल्जाम, अल्लाह अकबर। अब बताइए कि हमारे पास कहाँ आएगा? मौलाना कहते हैं कि माँ बाप की बात मानो, लेकिन मेरे अब्बा ये नहीं मानते, मेरी अम्मा ये नहीं मानती, मेरा पड़ोसी ये नहीं मानता। ये चोर दरवाजे हैं जिसने हमें और आपको नेकियां करने से रोक रखा है, जिसने हमें और आपको सही मुसलमान बनने से रोक रखा है। हम सबको इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं एक और हदीस के अंदर, मन सल्ला सलातस सुबह फ़वा फ़ी ज़िम्मतिल्लाह, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है। फ़ला यतलबन्नकुमुल्लाहु मिन ज़िम्मति बिशय्यिन, और अल्लाह ताला के ज़िम्मे जो लोग आ जाते हैं, जो अल्लाह के ज़िम्मे बन जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे कुछ मांगता नहीं है। जो फजर की नमाज पढ़ता है, तब आप लोग गौर करें, हम लोग गौर करें कि हम में से कितने लोग फजर की नमाज में हाजिर होते हैं। जो फजर की नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह के जिम्मे हो जाते हैं, और अल्लाह ताला अपने जिम्मियों से कुछ मांगता और मुतालबा नहीं करता। अब आगे अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, लेकिन अगर दुनिया के अंदर अल्लाह के इन जिम्मियों से, इन नेक और पाकबाज लोगों से कोई तकलीफ पहुंचाता है, उनको उनकी कुछ बेईमानी करता है और उसे पा लेता है, तो अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला उसे पकड़ कर जहन्नम में झोंक देगा, जो उसके उस नमाजी बंदे को परेशान करता दुनिया के अंदर। जरा अंदाजा करें कि अल्लाह के मुसलमान बंदों को, अल्लाह के नेक बंदों को दुनिया में परेशान करने वालों पर अल्लाह ताला कितना सख्त नाराज हो रहा है। कितने आसानी से हम और आप एक दूसरे को उछालते हैं इज्जतों को, कितने आसानी से एक दूसरे को परेशान कर डालते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हो, फजर की नमाज की इतनी अहमियत, किसी ने लिखा कि अगर फजर की नमाज के लिए आप उठ जाते हैं गोया कि रब्बुल आलमीन ने आपको अपने लिए पसंद कर लिया है। जोहर असर मगरिब ईशा ये नमाजें तो आसानी से पढ़ी जा सकती हैं, क्योंकि होश व हवास कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन नींद की कुर्बानी देना, सर्दी लगते हुए वजू करना और चल करके मस्जिद में आना, तो अगर आप मस्जिद में आते हैं अल्लाह का ऐलान सुन लीजिए कि जो मस्जिद में आकर फजर की नमाज पढ़ता है उसे कोई मुसलमान तकलीफ ना पहुंचाए, अगर वो तकलीफ पहुंचाएगा तो जहन्नम में अल्लाह ताला उसे झोंक दे। इस हदीस का मतलब यही। अब अंदाजा करें कि मुसलमानों की इज्जत और मुसलमानों के जानो माल की कदर इस्लाम में कितनी ज़्यादा है। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, अय्युल मुस्लिमी अफ़ज़ल, सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथों और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मैंने जो शेर पढ़ा था शुरू में, मेरी जबान और कलम से किसी का दिल न दुखे, इस अंदाज का मुसलमान होना चाहिए। सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन मुसलमान है जो सबसे अच्छा मुसलमान नहीं बनना चाहता? ये कोई है दारा नगर में कोई है जो ये कहे कि मैं अच्छा मुसलमान नहीं बनना चाहता? नबी का ऐलान, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पर, इन दिमाकुम व अमवालकुम व आरादकुम अलैकुम हरामुन, ऐ मुसलमानों, तुम में से एक दूसरे की इज्जत, तुम में से एक दूसरे का माल, तुम में से एक दूसरे का खून, तुम में से हर एक पर हराम है। कहुरमत यौमिकुम हाज़ा, जैसे आज का ये दिन हराम है,
जैसा कि तुम जिस शहर में यानी शहर मक्का में हो ये हराम है, जैसा कि तुम इस महीने में हो ये हराम है। खाने काबा हुरमत वाली जगह, जिलहिज्जा हुरमत वाला महीना, और शहर मक्का हुरमत वाला और महीना भी हुरमत वाला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने कहा मुसलमानों का खून, मुसलमानों का माल, मुसलमानों की इज्जत एक दूसरे पर हराम, एक दूसरे पर हराम। एक दूसरी बात में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाया कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हराम है। क्या हराम है? उसका खून, उसकी माल और उसकी इज्जत। अब हमें और आपको चेक करना है कि क्या वाकई हम अपने मुसलमान भाइयों के खून, माल और इज्जत का एहतराम करते हैं। हम पड़ोस में रहते हैं, हमारी निगाहों से, हमारे अखलाक से, हमारी सीरत से मेरा पड़ोसी बचा हुआ है या परेशान हो रहा है। अल्लाह के नबी की एक और रवायत सुनते चलें। अल्लाह के नबी कसम खा रहे हैं वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, कसम है अल्लाह की वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, कसम है अल्लाह की वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी की हदीस। और दूसरी रवायत में है मुस्लिम की वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता जिसकी शरारत से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। और यहीं से शुरू होता है मामला। हम घर में हैं, हमने शादी की है, हमारे यहाँ बीवी हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका एहतराम हम कितना करते हैं। हमारे पास वालदैन हैं, उनकी इज्जत तकरीम कितनी करते हैं। हमारे पास भाई बहन हैं, उनकी इज्जत तकरीम कितनी करते हैं। हमारे बच्चे हैं, उनके हकूक़ हम कितना पूरा करते हैं। हमारी बीवी है, उसके हकूक़ हम कितना पूरा करते हैं। ये सवाल अभी से हम और अपने आप से करें, यहीं से शुरू होता है एहतराम और तज़ीम अपने घरों से। मेरे अखलाक से मेरा दोस्त मुतमईन है, मेरे अखलाक से मेरे रिश्तेदार मुतमईन हैं, लेकिन मेरे अखलाक से मेरी बीवी, मेरे बच्चे मुतमईन नहीं हैं, तो बहुत बड़ा सवाल है आपके ऊपर। इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत, इसे सही करने की ज़रूरत है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। इस अंदाज से मुसलमानों को होना चाहिए। किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पर किसी मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचे, वो तकलीफ मुझे अपनी तकलीफ समझना होगा, तब सही मानों में हम मुसलमानों के एक दूसरे के हकूक को हम समझ पाएंगे, वरना फिर जबानी दावे रहेंगे। रब से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक दूसरे की इज्जत और तकरीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम लोगों को मुसलमानों के आपसी भाईचारे को कायम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें पड़ोसियों के हकूक़ को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें बीवी बच्चों के हकूक़ को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपने बेगमात की ज़रूरियात को पूरा करने और उनकी नाराज़गी को दूर करके उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله ملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر فالله يعلم ما تصنعون